और एकदम हार्ड है ये देखो। अरे ये तो गिर गई लेकिन हार्ड है ये देखो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं तो मस्त। अभी हम बस चेकआउट करने वाले हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे। जब से कोविड हुआ है ना तब से यहाँ पे काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये हाथ में पहनना पड़ता है प्लास्टिक और फिर ही सब खाना ले सकते हो बफे सिस्टम में। मैक्सिमम वैरायटी जो होती है वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए ही होती है। वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। वेजिटेरियंस के लिए ये सब अवेलेबल है। काफ़ी कुछ है ही वैसे, ये सारे जूसेस, सूप और कॉर्न वगैरह और ये पाई। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो काफ़ी कुछ है। यही रास्ता था ना रात को, इधर आगे दोनों इस लेफ्ट साइड पे आगे बहुत ज्यादा बर्फ दिखेगी। अभी हम वही जगह पे जा रहे हैं जो मैंने पिछली वाली वीडियो में दिखाया था। अभी वहीं पे थोड़ा सा बस आगे जाके वहाँ पे जाओ स्नो मॉन्स्टर्स हैं, वो देखेंगे आज हम। वो देखो वहाँ पे जो वाइट सा दिख रहा है ना ऊपर से, वहीं पे जाना है हमें। और वहीं पे पूरी स्कीइंग होती है, लोग ऊपर से आते हैं नीचे। पहुंच गए हम वो रोपवे की पार्किंग में और यहाँ से अब बस पैदल ही जाना ऊपर। और इतनी स्नोफॉल हो रखी है, ऐसे बिल्कुल मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का। इन लोगों को देखो, इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी जैकेटें पहन रखी हैं। बाप रे, पूरे टाइम बाहर रहना पड़ता है इनको। ये जाओ स्की रिजॉर्ट है, यहाँ पे स्नो मॉन्स्टर्स है ऊपर, वो देखने जा रहे हैं अभी। यहाँ पे देखो लोग ना ऐसे स्कीइंग करने आते हैं मेनली। वो देखो पीछे इतनी ज़्यादा बर्फ गिर रही है, मेरे बाल देखो पूरे स्नो स्नो से भरे पड़े। ये रोप वे है, यहाँ से एकदम ऊपर जाएंगे फिर वहाँ पे स्नो मॉन्स्टर्स दिखेंगे। यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। ऊपर जाने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। रोप वे, डबल चेयर लिफ्ट, हाई स्पीड, क्वाड चेयर लिफ्ट। हम रोप वे से जाएंगे। टॉप स्टेशन राउंड ट्रिप, 3 adults की टिकट 10,500 yen की पड़ती है। रोप वे में भी 2 options हैं, टॉप स्टेशन राउंड ट्रिप और मिडिल स्टेशन राउंड ट्रिप। मिडिल स्टेशन राउंड ट्रिप वाली सस्ती है, 1800 yen की है वो टिकट। टिकट्स ले ली आने जाने की और 3,500 yen की एक टिकट पड़ती है, विच इज़ अराउंड 2,200-2,200 rupees तक। ये शॉप्स पे अभी कितनी क्यूट क्यूट चीज़ें मिलती है। ओमिको जी, चलो अब रोपवे पे चलते हैं। ये एंट्रेंस है रोपवे की, ये बिगिनर स्कीइंग के लिए है। छोटे छोटे बच्चे भी स्कीइंग कर रहे हैं। मुझे तो आती नहीं भाई स्कीइंग। 2 ropeways लेनी होंगी टोटल टॉप स्टेशन तक पहुंचने के लिए। ये वाली रोपवे मिडिल स्टेशन तक लेके जाएगी। पूरे लदे पड़े हैं लोग अंदर। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना वैसे वैसे एकदम स्नो बढ़ती जा रही है पेड़ों पे। मेरे बाल, मेरे सब पे पूरी स्नो ही स्नो गिरी पड़ी है। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, पूरे पेड़ देखो पूरी स्नोफॉल हो रखी है इतनी ज़्यादा, और पेड़ पे पूरी स्नो स्नो। यहाँ पे और अच्छे लग रहे हैं पूरे पेड़ों के पास।
देख रही है कितनी देख कितनी मोटी सी बर्फ जमी हुई है और अंदर टैनी सी देख कितनी पतली सी है देख बाप रे देखी हाँ, इतनी कैसे वो होल्ड कैसे कर लेता है इतनी ज्यादा देख यहाँ पे लोग स्कीइंग भी कर रहे हैं यहीं पे कई लोग एकदम टॉप लेवल पे जाते हैं वहाँ से स्कीइंग स्टार्ट करते हैं अभी इससे भी ऊपर एक और लेवल है अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है ज़्यादा देर रहो ना बर्फ में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई हाथ सुन सब सुन यहाँ पे स्की बोर्ड्स को पार्क कर रखा है स्की बोर्ड्स पार्क करके वो लोग रेस्टोरेंट में गए हैं जो लोग उनके स्की बोर्ड्स हैं थोड़ी देर हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं गर्म होने के लिए क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है ये देखो यहाँ पे हीटर है ना यहाँ पे लोगों ने अपने ग्लव्स वगैरह टोपी वोपी सब सुखाने के लिए रखी हुई है अभी हम वापस जा रहे हैं रेस्टोरेंट से थोड़े गर्म होके अब इस रोप वे से एकदम टॉप वाले स्टेशन पे जाएंगे जहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ पे एक्चुअली स्नो मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना वैसे वैसे बर्फ़ एकदम बड़ी जा रही है और विजिबिलिटी कम होती जा रही है और ना पेड़ों पे जो बर्फ़ बढ़ रही है ना उससे ही वो स्नो मॉन्स्टर्स बनना शुरू हो रहे हैं मतलब पेड़ों पे ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर्स हैं वो एक्चुअली पेड़ है लेकिन इतनी बर्फ होती है तो ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर्स हैं ये स्टेशन पे आते ही इतनी हवा लग रही है और इतनी बर्फ़ है और विजिबिलिटी इतनी कम आज मौसम थोड़ा ख़राब सा है वाओ देखो स्नो मॉन्स्टर्स कितने मस्त लग रहे हैं ना पूरे स्नो से भरे पड़े भाई ट्रीज़ लग रहा है ये किसी भी हाल में कि ट्रीज़ हैं वाओ ना कैसे पूरी जमी हुई है और एकदम हार्ड है ये देखो अरे ये तो गिर गई लेकिन हार्ड है ये देखो एकदम ऐसे नहीं चल रही इतनी पतली पतली टहनी है फिर भी एकदम जमी पड़ी है पूरे ऐसे भरे पड़े ट्रीज ट्रीज पूरे जमे पड़े एक रेस्टोरेंट है इसी फ्लोर पे और ये रेस्टोरेंट में पता है इतना गर्म है ना बाहर इतना ठंडा है तो बार बार यहाँ पे आई जा रही हूँ मैं यहाँ पे आई जा रही हूँ बाहर तो रहा ही नहीं जा रहा ज़्यादा देर तक बस 5 मिनट के लिए बाहर जाते हैं फिर अंदर आ जाती हूँ ये देखो यहाँ पे ये हीटर्स लगे हुए हैं थोड़ा यहाँ पे हाथ रखूँ ना तभी थोड़ा सही होता है नहीं तो हाथ पूरे सुन रेस्टोरेंट की खिड़की से भी दिख रहे हैं स्नो मॉन्स्टर्स मस्त आजकल यहाँ पे रात को विंटर इल्यूमिनेशन भी हो रही है देखो रात में ऐसे लगते हैं स्नो मॉन्स्टर्स मस्त ना चलो अब वापस से बाहर चलती हूँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है गर्म हो गई थोड़ी बहुत मुश्किल है ज़्यादा देर तक बाहर रुकना यहाँ पे वाह ये देखो कितने
कितने मस्त लग रहे हो। यहाँ पे सब लोग मत्था टेकने आते हैं और कहा जाता है कि ये वैसे बहुत ऊपर थे लेकिन अब ये धस धस के अंदर चले गए और अब बस इतनी सी मूर्ति दिखती है। सब लोग फोटो खिंचा रहे वहाँ पे खड़ा हुआ नहीं जा रहा दिख के पता तो चल रहा कौन खड़ा है वहाँ पे फोटो खिंचा रहे। बहुत ठंड है पता नहीं कितना टेम्परेचर हो गया -10 से भी ज़्यादा ही ना हो। बाप रे बहुत हाइट पे है ये जगह। बस अब वापस जा रहे हैं। इतनी बर्फ हो गई है लोगों की कारों के ऊपर। ये हमारी कार पूरी बर्फ देखो। जबकि ऑन छोड़ के गए थे हम क्योंकि दादी मां अंदर है। अभी हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं, रात को ट्रैवल कर रहे हैं और बर्फ स्नोफॉल हर जगह स्नोफॉल है यहाँ पे। ये पीछे फैमिली मार्ट है। अभी हम यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।